हेलो स्टूडेंट, मैं युधिष्ठिर कांति। मेरे यूट्यूब चैनल इंप्रेस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं। मेरा एक क्वेश्चन है उदाहरण 4 में, इसको आज हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है, एक मिठाई विक्रेता के पास 425 बादाम की बर्फियाँ और 130 नारियल की बर्फियाँ हैं। वो इनको ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियाँ समान संख्या में रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान गिरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। मतलब मेरे पास 425 बादाम की बर्फियाँ हैं और 130 नारियल की बर्फियाँ हैं। इसको मुझको ढेरी बना के रखना है और प्रत्येक ढेरी में बर्फियाँ समान हो, ठीक है। और प्रत्येक ढेरी में बादाम के बर्फियों की संख्या भी समान रहे हर ढेरी में, और नारियल का भी हर ढेरी में समान ही संख्या रहे। तो इसको हम लोग कितने ढेरी में रख सकते हैं, तो हम लोग इसका उत्तर जानने के लिए इनका HCF निकालना पड़ेगा कि 425 और 130 का मेरा जो HCF होगा वही मेरे ढेरियों की संख्या होगी। तो फिर मैं इसका HCF निकाल लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ। चार सौ पच्चीस और 130 का HCF निकाल, इसको लंबी विभाजन विधि द्वारा इसको बना लेते हैं। पहले 3 से जाएगा 35, 130 यहाँ पर आता है, 25 आया, 35 यहाँ पर आएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, ये देखिए क्या आया, 5। इससे 5 आया मेरा, मतलब 5 ढेरियाँ लगानी पड़ेगी। चलिए इसको विपरीत विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा हम लोग बनाते हैं। 130 देखिए भागफल कितना 3, शेषफल कितना आया 35, फिर 130 यहाँ पर आ जाएगा और 35 यहाँ पर, इसको भाग करेंगे फिर हम लोग। भागफल यहाँ पर देखिए 3 है, शेषफल आया मेरा 25, फिर 35 यहाँ पर आ जाएगा, 25 यहाँ पर आ जाएगा, कितना बार भाग किए, भागफल 1 है और शेषफल आया मेरा 10, फिर 25 यहाँ पर आ जाएगा और फिर 10 से भाग करेंगे, दो बार दो भागफल है और शेषफल आया 5, फिर 10 यहाँ पर आ जाएगा और फिर 5 से हम लोग भाग करेंगे तो शेषफल 0। ये मेरा HCF है। इसलिए ढेरियों की संख्या, ठीक है, ढेरियों की संख्या HCF 425 और 130 कितना होगा 5, ये वाला मेरा आंसर, ठीक है। मतलब हम लोग प्रत्येक बर्फी को 5 ढेरी में रखेंगे तो वो समान संख्या में आ जाएगा। तो इसको हम लोग अच्छी तरह जानने के लिए जांच कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास बादाम की बर्फियाँ कितनी थी 425, कितना ढेरी में रखना है, देखिए 5 ढेरी में रखना है तो 5 को डिवाइड कीजिए, प्रत्येक ढेरी में कितने बादाम की बर्फियाँ रहेगी हमको पता चल जाएगा, 85, यानी 5 ढेरी में प्रत्येक ढेरी में 85 बादाम की बर्फियाँ रहेगी। नारियल की 130 थी, उसको भी 5 में डिवाइड कर दीजिए 26, और प्रत्येक ढेरी में 26 नारियल की बर्फियाँ रहेगी, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल करेंगे तो एक ढेरी में मेरी कितनी बर्फियाँ रहेगी 111 करके 5 ढेरी बनाएंगे, 111 करके प्रत्येक ढेरी में बर्फियाँ रहेगी, मेरी 5 ढेरी है, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता था, कि हमको इसको कितने ढेरी में रखना है बर्फियों को जो सब में समान है। तो मेरा प्रत्येक ढेरी में 111 करके हम लोग रख सकते हैं, और उसमें बादाम की बर्फियाँ कितना रहेगी एक ढेरी में 85 और नारियल की बर्फियाँ रहेगी 26। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 1.2। धन्यवाद।